के वचन से कुछ बातों को आपके सामने रखने के बाद उन बातों में के विपरीय बातों को समझाते हुए आपके जीवन की बातों को समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। आप अगर अपने पास धर्मशास्त्र किताब रखे हैं मेरे साथ खोलिएगा पहला यूहन्ना की पहला अध्याय उसका सातवां पद से लेकर हम दसवां पद तक पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका सातवां पद से लेकर दसवां पद तक हम परमेश्वर का वचन जो बाइबल कहलाया जाता है जो सारे संसार में 2318 भाषा में अनुवाद किया गया है जो आज भी सबसे ज्यादा बिक्री होने वाली किताब है जो आज भी सब लोगों को उत्साहित करता है उमंग कर देता है राग दिखता दिखाता है अंधेरों में रोशनी जैसा दीपक बनता है। इस परमेश्वर के वचन में से मैं सुनाने के लिए चाहता हूं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय सात पद से लेकर दस पद तक हम देखेंगे। पर यदि जैसा वो ज्योति में है यदि जैसा वो परमेश्वर ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रख सकते हैं और उसके पुत्र यीशु का और प्रभु यीशु मसीह का लहू अब उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। प्यारों इन वचनों में आप और हम एक साथ जुट के रहने के लिए और एक दूसरे के साथ सही संगति रखने के लिए किन विचारों को रखना है इन बातों को कहके कई बातों को परमेश्वर हमारे सामने पेश करता है। ध्यान से सुने आप कोई भी धर्म मानने वाला क्यों न हो कोई भी जात के क्यों न हो कोई भी क्षेत्र के क्यों न हो कोई भी बोली बोलने वाले हो न हो इन बातें आपके लिए इसलिए थोड़ा कान खोल के सुने। इन वचनों में जिसको मैंने पढ़ के सुनाया था परमेश्वर कौन है करके बाइबल बतलाती है परमेश्वर की इच्छा क्या है वो भी बतलाती है। परमेश्वर ये चाहता है हम एक दूसरे के साथ सट के रहें और एक दूसरे की समझ के रहें एक दूसरे के साथ मिल के रहें इसके विरोध में कार्य करने वाली चीज क्या है और उसको उसने किस प्रकार हटाने के लिए काम किया उन सारी बातों को आप यहां पर देखते हैं। आज कल और परसों मैं इन बातों के ऊपर आपके सामने रोशनी को लाने के लिए चाहता हूं जिसके द्वारा आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। आप कहेंगे भैया हम तो अंधे नहीं हैं, हम तो देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा सब मनुष्य बाहर दो आंखों का रखता होगा, कुछ लोगों को तो यह नेत्रदान नहीं दिया गया है, परंतु भीतरी एक आंख है वो अंधे आदमी को भी खोलने का ताकत रखता है। सब आदमी को तो दो खान पाई जाती है। आज पेपर में दिया गया था दो दिन के बच्चा क्या सुन सक रहा है या ये बहरा हो जाएगा बड़ा होके या ये गुंगा रहेगा। इन बातों को पहचानने के लिए विज्ञानियों ने डॉक्टरों ने मशीन बना दिया। अगर उसको लगाइएगा वो बच्चे के बारे में वो मशीन बतलाएगा ये बोलने का ताकत रखता है सुनने का ताकत रखता है। परंतु मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं बाहरी कानों से लोग तो बहुत सी बातों को सुनते हैं, दुनिया में कौन सी बातों को हम नहीं सुनते हैं,
कितने गीतों को सुनते हैं, कितने म्यूजिक को सुनते हैं, परंतु मनुष्य जब तक भीतरी कान को नहीं खोलने का ताकत रखेगा, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए उसके पास कुछ भी खूबी नहीं, कुछ भी ताकत नहीं। इसलिए मैं, अगर आप मुझसे कहेंगे, पूछेंगे, मैं कहूंगा मनुष्य तीन कानों के साथ बनाया गया है, मनुष्य तीन आंखों के साथ बनाया गया है। भले बाहर देखने के लिए केवल दो आंखें हैं, केवल दो कान हैं, परंतु मनुष्य सुनने के लिए भीतर ये कान को हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने दिया। वैसे ही हर एक आंख को, हर एक व्यक्ति को भीतर ये आंखों को दिया, परंतु मनुष्य शायद देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा मन लगा के आपके भीतर ये कानों को खोलने के लिए कोशिश कीजिएगा, ताकि परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंच सके। बाइबल में ये बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता करके। आज इस वचन के ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालने के लिए चाहता हूं, क्योंकि जिस यीशु के बारे में मैं प्रचार करता हूं, जैसा ही हमारे जवानों ने आपको दिखाया, आपके पापों को लेके, हमारे पापों को लेके, सारे संसार के पापों को लेके क्रूस पर वो अपना जान को दिया, लहू बहाया। ये सच्चाई है, ये बात साबित किया गया है। ये बात के बारे में कई एक विज्ञानी लोग, कई एक पढ़े लिखे लोग, कई एक प्रोफेसर लोग, कई एक यूनिवर्सिटी के लोग इसके लिए गवाही दे सकते हैं। यीशु मसीह आया, मरा, खून बहाया, परंतु तीसरा दिन जी उठा करके, न केवल बाइबल बतलाती है, इतिहासिक बातें के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। यीशु मसीह खून बहाने का क्या कारण है, क्या यीशु मसीह का खून में ताकत है पाप को मिटाने के लिए, पाप के ऊपर विजय देने के लिए, तो क्यों दुनिया में पाप रह गया करके आपके दिल में एक प्रश्न उठता होगा। यहां आपने देखा था, पाप ने उस जवान को घेर लिया, पाप ने उस जवान को न केवल घेरा, परमेश्वर से अलग कर दिया, परंतु वो परेशान हो गया। एक एक पाप उसके चारों तरफ घेरने की वजह से उसके जीवन परेशान हो गया, यहां तक वो जाने लगा आत्महत्या कर ले, अपना जीवन को नष्ट कर ले। परंतु उस महान परमेश्वर ने अपने खून बहाने के लिए, उसको चुलाने के लिए मनुष्य बन के आया, और उसके साथ मानव जाति ने क्या कुकर्म किया आपको हमारे जवानों ने दर्शा के दिखाया। परंतु मेरा यीशु तीसरे दिन जी उठने के द्वारा न केवल पाप को चुकाया, परंतु पाप के दंड को चुकाया, परंतु साथ ही साथ वो पाप के विरोध में, पाप के ऊपर विजय पा के जीने के लिए ताकत भी देता। थाली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर केवल पाप की प्रायश्चित वो करता तो मेरे लिए उतना रुचिदायक नहीं रहेगा, परंतु मेरे जीवन में और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए भी ताकत देने के लिए उसने खून बहाया। उस बात को मैं आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। इसलिए मैंने कहा था, यह समा एक साधारण सभा नहीं, आपके व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक सभा है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक दोस्त को जानता हूं जिसका नाम रेनार्ड बोंके, जिसके साथ मैं बैठ के भोजन कर चुका हूं। तीन तीन बार उनके साथ मैं मीटिंग में बैठ गया, इसलिए मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। उनको एक देश में प्रचार करने के समय वहां का टीवी लोगों ने, टीवी संसार के लोगों ने आके अपना स्टूडियो में बुलाया और कहने लगा, देश भर में हम इसको लाइव करने जा रहे हैं, आप हमारे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए चले आना। जब वे गए थे, वहां एक महान बुद्धिमान बुद्धिजीवी उसको भी बैठा दिया जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, परंतु वो व्यक्ति बिल्कुल नास्तिक था, ईश्वर को मानता नहीं था, केवल मानवता को मानता था। उसके साथ भिड़ाने के लिए इनको वहां बैठाया गया। अब उस प्रोफेसर ने रेनार्ड बोंके, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को विश्व भर में सुनाते हैं बहुत जबरदस्ती के साथ, तो उसने पूछा, क्या भाई
प्रभु यीशु मसीह के खून में ताकत है, सामर्थ है, क्योंकि आप देश देश में जाकर इस बात को कहते हैं यीशु मसीह का खून सब पापों को धोने का ताकत रखता है, यीशु मसीह के खून में सामर्थ है, यीशु मसीह के खून से भूत भक्त आकर के आप प्रचार करते हैं, हमें बताइएगा यीशु मसीह के खून में सामर्थ है। रेड और बोंके ने कहा हाँ, अगर मैं विश्वास नहीं करता, अगर मैं उसको अनुभव नहीं करता, अगर मैं अपने सेवकाई में नहीं देखता, मैं प्रचार करना छोड़ देता, परंतु मैं उसको अनुभव करता अपने जीवन में और इस पर विश्वास करता हूं, मैं चांद जानता हूं ये सारे संसार के लोगों के जीवन में पाप को मिटाने का ताकत प्रभु यीशु मसीह का लहू में है करके वो प्रोफेसर हंसने लगा हा 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 करके और पूछने लगा ए भाई सुनिए ना, 2000 साल के पहले यीशु मसीह क्रूस पर मरा करके आप लोग कहते हैं, इतिहास भी जरूर कहती है, मैं इस बात को मानता हूं, परंतु यीशु मसीह मरने के बाद भी दुनिया अभी तक कुकर्म से बड़ा है, व्यभिचार से बड़ा है, वेश्यागामी से बड़ा है, झूठ से बड़ा है, धोखा से बड़ा है, एक दूसरे को मारने के लिए खून करने के लिए दुनिया के लोग तैयार हैं, नेते तैयार हैं, बड़े बड़े अगुवे तैयार हैं, तो आप कहते हैं यीशु मसीह का खून में, यीशु मसीह का लहू में सामर्थ्य क्यों काम नहीं करता। मेरा दोस्त नेनाट बोंके ने कहा ए भाई सुनो, दुनिया में तो साबुन है ये है, साबुन की फैक्ट्रियां है ये है, दुनिया में इतनी साबुन तैयार हो जाती है, टीवी में आप ही लोग दिखाते होंगे कम से कम 20 वैरायटी का साबुन, लक्स साबुन, मार्गो साबुन, सिंताल साबुन करके आप तो टीवी में लगातार साबुन के बारे में इतना, और साथ ही साथ सर्फ वगैरह दिखाते हैं, और आप लोग बीमा और कई प्रकार की साबुन की पाउडरों को भी दिखाते हैं, एक एक पाउडर का आप बहुत अच्छा वर्णन भी करते हैं, टीवी में तो आप इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन क्यों दुनिया में बहुत लोग गंदे हैं अभी तक। क्यों अभी तक दुनिया के कई लोग महक रहे हैं, कई लोगों का देह से अभी भी गंदगी छूट नहीं रहा, क्यों दुनिया में कई लोग जो है परेशान है। आप अपना गली में जाके देखिए गंदगी का कोई सीमा नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच बीच में कहते हैं क्लीन इंडिया, लेकिन मैं रांची में उतरती कल मैं अपना चालक से कह रहा था क्लीन इंडिया भी रामगढ़ से रांची जाने के रास्ता में भी नहीं हो रहा है। रांची आपका राजधानी है, राजधानी के अंदर क्लीन इंडिया नहीं है। मैं बीते हफ्ता श्रीलंका में था, श्रीलंका एक छोटा देश है, उनके पास हमारे जैसा पैसा नहीं है, हमारे जैसा मिलिट्री नहीं है, हमारे जैसा ताकत नहीं है, हमारे जैसा इतना बड़ा बोल नहीं है। हमारा देश में 127 करोड़ लोग हैं, उनका तो छोटा सा ये 1.5 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन वो देश थोड़ा सा साफ है, हमारा देश क्यों साफ नहीं हो रहा। मैं बोल रहा था, मैं बीते हफ्ता के पहले 10 दिन के पहले मैं दुबई में था, दुबई में जाके देखिए छोटा सा वो शहर है, देश नहीं है वो शहर है, लेकिन कूड़ा खाना कहां खोजना पड़ रहा है पता नहीं है। हिंदुस्तान के मुल्क से वहां 90 लाख लोग वहां रहते हैं परंतु साफ है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग 127 करोड़ होने के बावजूद भी मेन रोड में मैं आ रहा था, हवाई अड्डा से उत्तर के ही आ रहा था, रामगढ़ का मेन रोड में आ रहा था, चारों तरफ इतने ही गंदगी है, इतने ही गंदगी है। बीच में एक ऑफिसर ने अपना गाड़ी रुकवाया और अपना पैंट खोलना शुरू कर दिया। वैसे हमारा दोस्त ने कहा ये भैया तो आपने ये तो कहा साबुन तो फैक्ट्रियां इतना है, भले आप साबुन के फैक्ट्री में भी काम करें, अगर साबुन को न इस्तेमाल कीजिएगा आप गंदे ही रह जाइएगा, गंदे ही रह जाइएगा। वैसे ही यीशु मसीह ने खून बहाया, अगर उस खून को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप जो है आप 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 पाप से छुटकारा जीवन में शुद्धता पा सकते हैं। विश्वास करने वाला जोरदार हालेलुया बोले। व्हाई दिस वर्ल्ड इज सो डर्टी,
Why this word is so naughty? Because the word failed to apply the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. यीशु मसीह के खून में ताकत है. मैं फिर उस वचन के ओर आपका ध्यान को आकर्षित करने के लिए चाहता हूं. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. मैं अभी 70 साल को पार कर चुका हूं और मैं 50 साल के पहले इस प्रभु यीशु मसीह के पास आया था. जरूर मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी मैं अपना 50 साल के पहले इस यीशु को पहचाना. आज मैं चिल्ला के कह सकता हूं यीशु मसीह के खून में ताकत है. इसलिए मैं तगड़ा से तगड़ा उस पाप के विरोध करके देश देश में बोलने का, अपने जीवन में लागू करने का ताकत रखता हूं करके. आप पूछेंगे भाई प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है करके लिखा है. क्यों क्यों? उन सातवां पद को फिर से पढ़ेंगे. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का सातवां पद का फिर से पढ़ेंगे. पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, अगर चलेंगे तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे के साथ हम सहभागिता रख सकते हैं. और बीच में आ गया काम. एक मिनट, यहां बाइबल फिर से पढ़िएगा उस वचन को. पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा परमेश्वर ज्योति में है. हम दीपावली मनाने को जानते हैं परंतु दिया को नहीं जानते, वहां का रोशनी को नहीं जानते. दीपावली को मनाने के लिए हमने यूएन में भी पहुंच गया. यूएन में भी दीपावली मनाते हैं, अमेरिका में भी लोग मनाते हैं, ओबामा भी मनाते हैं दीपावली को. दीपावली को मनाने को जानते हैं लेकिन उसमें जो आग है, जो रोशनी है, उसको हम पहचानते नहीं है क्योंकि हमारे संगति उसके साथ आई है नहीं. बाइबल बतलाती है जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले. अगर हम ज्योति में चलेंगे तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं. हमारा समाज बैठा नहीं रहेगा, हमारा परिवार में फूट नहीं रहेगा, हमारा भाई बाप में लड़ाई नहीं रहेगा, हमारे गांव में, हमारे गली में, हमारे कारखाना में, हमारे कलिसियाओं में झगड़ा के लिए जगह है नहीं क्योंकि हम ज्योति में चलने के लिए नहीं दिए. कारण क्या है? बीच में पाप का दीवाल आ गया. मैं आपसे पूछूं, एक जन के पास सीमेंट छड़ और गिट्टी बालू दे दीजिएगा और मिक्सिंग मशीन भी दे दीजिएगा, वो क्या बनाता है? दीवाल कड़ा करता है. वही गिट्टी, वही सरिया, वही सीमेंट, वही बालू को दूसरा के दीजिएगा, वो फूल बनाता है. फूल बनाने से वहां के लोग यहां के लोगों के साथ संबंध रख सकते हैं, यहां के लोग वहां के लोगों के साथ संपर्क रख सकते हैं. लेकिन दीवार बनाने से जो भी संबंध था टूट गया. बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिएगा, आप फूल बनाएंगे या दीवार बनाएंगे? पूछ लीजिए. बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछ लीजिए. सामान एक ही है, चीजें एक ही है, वही सीमेंट, वही सरिया, वही गिट्टी, वही बालू दिया गया है, वही पानी डाला गया है. लेकिन एक जन दीवार बनाता है, एक जन फूल बनाता है. एक और बार अच्छा से बगल वाला माइक थोड़ा परेशान करता हूं अपना मीटिंग में. बगल वाला का हाथ पकड़ के, कोई भी हो कोई बात नहीं, बगल वाला का हाथ पकड़ के, आप क्या बनाते हैं? क्या जवाब मिला आपको? जा मिला. कुछ पादरी लोग भी दीवार बनाने में तेज है. पादरी लोग भी अपने विश्वास या और दूसरों के विश्वास के बीच में दीवार बनाने में तेज है. थम, वहां नहीं जाना, उस मीटिंग में नहीं जाना, उसकी नहीं सुनना, उसके साथ बैठ के गाना नहीं, उसके साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करना. बाप रे बाप, फादरी साहब आप एकदम मजबूत दीवार बना रहे हैं. लिसन, ध्यान से सुने. वहां पाप बीच में आने के चलते
हम एक दूसरे के साथ सगबागी नहीं होने के चलते मेरा यीशु को ये पाप के लिए हल करना पड़ा, इसलिए बाइबल बतलाती है पाप को मिटाने के लिए मेरा यीशु मसीह का लहू बहाया गया। एक और बार थाली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसलिए 8-9-10 पद में पाप के विरोध में लिखा, अगर हम कहेंगे मैं पाप नहीं है, हम झूठा हैं, हम झूठ बोलते हैं, न केवल हम झूठ बोलते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं, न केवल अपने आप को धोखा देते हैं, हमारे बनाने वाला को भी झूठा कह रहा थे। लिसन सर, लिसन, व्हाई देयर इज डिविजन इन दिस वर्ल्ड, क्यों लोग बैठे हुए हैं, क्यों जात बात आया है, क्या बाइबल में कुछ हल है? भैया बाइबल इसके बारे में कुछ बतलाती है, मैं आदि मनुष्य ले आ रहा हूं, थोड़ा सा जगह जगह ले आ रहा हूं ताकि आप समझ सकें पाप मनुष्य के जीवन में क्या कर सकता है। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति, उत्पत्ति किताब, मनुष्य के सृष्टि, पृथ्वी के सृष्टि के बारे में हमें बतलाती है। आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में तो बनाया, और उसके बारे में क्या लिखा है, मनुष्य और मनुष्य अर्थात औरत को जब परमेश्वर ने आदम से बना के उसके सामने खड़ा किया था, उसने क्या कहा, देखिएगा दूसरा अध्याय, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 22-21 से लेकर पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया, जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर, एक पसली निकाल कर जो उसने आदम में से निकाली थी, आदम ने से निकाली थी, स्त्री बना दिया, उसको स्त्री बना दिया, और उसको, और उसको आदम के पास ले आया, आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी। सुनिए, जब पहला मनुष्य अर्थात औरत को, महिला को, पहला व्यक्ति आदमी ने, पुरुष ने देखा, वो खाने लगा, ये मेरा हड्डियों में से हड्डी और मेरे मांस में का मांस, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है, नर में से निकाली गई है, इसलिए नारी होगा। ध्यान से सुनिएगा, मेरा बाइबल आपकी मेरी शुरुआत की बातों को सफाई से बतलाती है। परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को तो बनाया, परंतु उसके साथ में रहने के लिए उसके हड्डी में से एक पसली निकाल के हवा को बनाया, और जब लाया उनके बीच में प्रेम, उनके बीच में एक दूसरे के साथ सहने की ताकत, तू मेरे हड्डी की हड्डी है, तू मेरी मेरे मांस की मांस से करके आदम ने उसको स्वीकार किया। मैं हमेशा कहता हूं आदम बुद्धिमान था। बाइबल बतलाती है आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, सारे जानवरों को, पक्षियों को नाम रखने के लिए आदम को उसने अधिकार दिया, छोटी छोटी खिलौनों का लाके उसके सामने रखा, जो नाम आदम ने दिया था उस नाम उनका रह गया। लिसन, ही वॉज अ वाइज पर्सन, बहुत बुद्धिजीवी है, उसका पूरा पूरा बुद्धिमान है। हमारे बच्चे घर में पैदा होने से क्या कहते हैं, नाना आपके पास इस बच्चे के लिए कोई नाम है, ये दादी आपके पास इसका नाम है, ये मामू आपके पास इसका नाम है करके पूछ बैठिएगा, वो बोलेगा हम टेलीफोन डायरेक्टरी देख रहे, अच्छा नाम ढूंढ रहा हूं। एक बच्चा का नाम रखने में आप परेशान रहते होंगे, है कि नहीं? कहिए एक बार, मैं परसों मैं चेन्नई में था, चेन्नई में रहने समय एक दंपती, उनका 7 साल के बाद बच्चा हुआ, उन्होंने कहा भैया आपने प्रार्थना किया हमारे लिए 7 साल औलाद नहीं था, अभी बच्चा हो गया, आपको मैं खाना खिलाने के लिए भोजन लेके आया हूँ, और साथ ही साथ बच्चे के भी आप ही नाम रख लीजिए। मैंने कहा आप लोगों को पसंद ना आता नहीं है भैया। पहला बच्चा 7 साल इंतजार करने के बाद हुआ और उसको नाम रखने के लिए माँ बाप का आता ही नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ, मेरा नाना ने एक नाम रखा, मेरा दादी ने एक नाम रखा, मेरा बाप ने एक नाम रखा, मेरा बापा, मेरी मम्मी ने एक नाम रखा, मेरा नाम ऐसे ही पड़ा रह गया। हेडमास्टर ने कहा इतना नाम नहीं लिख सकते सर्टिफिकेट में, इसलिए काट दिया।
एक आदमी का नाम रखने में हम लोग इतना परेशान है, लेकिन आदम जिस दिन सृजा गया, जिस दिन बनाया गया, जिस दिन परमेश्वर ने उसको सृजा, उसके सामने सारे जानवरों को लाया, सारे पक्षियों को लाया, सबका नाम दे रहा, इतना बुद्धिमान है। लेकिन मेरे बाइबल में मैं पढ़ के देख रहा हूं, मैं बाइबल को लगभग 66 साल से पढ़ रहा हूं, रोज पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ के देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, वहां पर आदम से नहीं पूछा परमेश्वर ने तुम्हें कैसे सुंदरी चाहिए भैया। हमारा लड़का से पूछे भी ना, आप किसी लड़की के साथ बातचीत कीजिएगा, वो एकदम राक्षस बन जाएगा। हमसे पूछा हम जीने जा रहे हैं या आप जीने जा रहे हैं, हम जिंदगी काटने जा रहे हैं आप जिंदगी काटने जा रहे हैं, मुझे पतले पागले बताइए, फोटो दिखाइए और उसको छू के दिखाइए। हेलो, लेकिन पहले व्यक्ति ने, परमेश्वर ने उससे पूछा नहीं, लेकिन गुस्सा नहीं किया, परमेश्वर ने उसी में से निकाल के दिया, उसको उसने प्यार से स्वीकार किया, क्योंकि दुनिया में पाप नहीं था। There was no sin. The presence of God was so rich. परमेश्वर की उपस्थिति बहुत बड़ा जबरदस्त, लोगों को नर और नारी के बीच में परमेश्वर पाप के लिए जगह नहीं रहा, इसलिए एक दूसरे को स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं रही। आदम को हव्वा को स्वीकार करने के लिए, हव्वा को आदम को स्वीकार करने के लिए कोई तकलीफ नहीं रही। लिसन, आज मनुष्य एक दूसरे को नफरत करता है, शादी होके चौथे घंटा में लड़ाई शुरू हुआ। मुझे मेरा एक दोस्त जो इंग्लैंड में रहता है, उसने बहुत बिनती किया, मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वो जो है बिनती किया, भैया आप ही मेरा बेटा का शादी कराएंगे, क्योंकि आपने दोनों बच्चों को बपतिस्मा दिया, अभी आप ही हमारा बेटा का शादी भी देंगे। बेटा रहता था अमेरिका में, और उसका देखी हुई लड़की भी अमेरिका में डॉक्टरी की हुई थी। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था, और उनका एक बेटी और वो डॉक्टरी करके वहां अमेरिका में है। वो मुझे पप्पाई करके बुलाती है, अभी भी मुझे जब एड्रेस करेगी पापा करके बुलाएगी, ये लड़का और ये भी मुझे पापा करके मानता था, इतना मान इज्जत मेरे लिए उस परिवार में है। और आप अमेरिका के बारे में अगर जानते हैं, टेक्सास नाम करके एक स्टेट है, वहां पर ओक्लाहोमा करके एक, सॉरी डलास में ओक्लाहोमा करके एक शहर है, ओक्लाहोमा में ये शादी रखी गई। दोनों परिवार जबरदस्त परिवार है, परमेश्वर के सेवकों से भरा हुआ परिवार है, परमेश्वर के सेवकों से जान पहचान की परिवार है। दोनों परिवार के लोग वहां जुटे हुए थे। मैं जब अमेरिका में उस जगह में पहुंचा था, मेरी विमान जो है तो लेट गई, इसलिए शादी शुरू कर दिया गया। मैं बहुत रफ्तार के साथ वहां गया, शादी की आराधना चली रही थी, जब मैं भीतर पहुंचा प्रचार करने के लिए और शादी देने के लिए, वो लड़का वहां जगह छोड़ के आके मेरा पैर छू के प्रणाम किया, जो अमेरिका के रीति रिवाज से बिल्कुल दूर है। अगर दक्षिण में जाके आप किसी का पैर छूएगा, लोग बोलेगा ये कहां से छू रहा है, दक्षिण में ये रवैया नहीं है, इस प्रकार का कल्चर नहीं है, वो तो यहां उत्तर भारत की है। लेकिन अमेरिका में रहने वाला लड़का, ये तो पालन पोषण किया के अलग पांडिचेरी में, वहां के मेरा पैर छुया, वहां लगभग 200 पास्टर लोग वहां बैठे थे, उनका परिवार के लोग लगभग 800 लोग थे, 1000 से भरी हुई एक चर्च में शादी हो रही है, और उनका उस लड़की का बाप खुद पास्टर है, इसलिए 200 पासवान लोग वहां बैठे हैं, और सब लोगों को चकित होने लगे, बाप रे बाप, ये इतना बड़ा आदमी है। मैंने कहा बेटा अभी बैठ जा, मैं बात कर रहा हूं। बहुत शानदार शादी हुई, बहुत शानदार वचन मैंने प्रचार भी किया, और रात को हम लोग खाए। मैं उस सगर में जाने के चलते, वो शादी के घर वाले बहुत लोग पास्टर होने के चलते, भैया आप इतना दूर तो आ गए, 2 दिन हमारे बीच में एक मीटिंग चला के जाइएगा।
इसलिए मैं वहां ठहर गया। जब ठहर गया वहां पर, पहले दिन मैं मीटिंग में जाने के पहले लोगों ने विशेष चाय के लिए सबको निमंत्रण किया। कल का कटा हुआ केक सबको नहीं दिया गया था, इसलिए मैरिज केक को लोग बांटते हुए ये हाई टी के मतलब बहुत प्रकार के खाने का प्रचार रखे वहां पर। प्रचार करने के पहले, मीटिंग शुरू होने के पहले सबके लिए दिया गया था। जब मैं देख रहा हूँ ये लड़का रोते हुए आ रहा है, उसका मुंह फूला हुआ है, लड़की वहां आ रही है, लड़की एकदम दुखित होके उसका चेहरा तो काला काला हो गया। मैंने सोचा कल बहुत ज्यादा पाउडर लगा दिए क्या शादी के समय में, अभी काला काला कैसा होगी। लेकिन रोते रोते दोनों रह गए, दोनों आए। उसका नाम मनोज है, मैं नाम बोलने के लिए मैं खिचकता नहीं हूं क्योंकि मैं सही बात को बोल रहा हूं। मैंने कहा मनोज क्या हो गया बेटा? अंकल मुझे क्यों शादी करना था? अरे एक ही दिन तो हुआ है, वो भी डॉक्टरी की हुई लड़की है, अमेरिका के पालन पोषण की हुई लड़की है, अमेरिका के रुपया को जानती है, और तुम भी तो कंप्यूटर में माहिर है, तुम भी अमेरिका में रह गया और शादी करने के समय बोल रहा है, क्यों मेरी शादी कराया आपने? मैं दोनों जन को ले आके फिर डेढ़ घंटा शादी का प्रचार को दोहराना पड़ गया। क्योंकि एक ही दिन में बीच में मनमुटाव हो गया। बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछिएगा आपकी शादी हो के कितना दिन के बाद इस प्रकार की बात आई है? कोई कह रहा नहीं आई है, मैं नहीं विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि मैं कई घरों को देख चुका हूँ, कई लोगों को देख चुका हूँ, उनके घर घर में कुछ ना कुछ समस्या है। शादी के तीसरा दिन हुआ या तीसवां दिन में हुआ या 30 महीना के बाद हुआ, किसी किसी बुड्ढे को 30 साल के बाद हुआ। क्यों? क्यों? परमेश्वर के हाथों से बनाए हुआ दोनों के बीच में जो प्रेम था वो हट गया, वो मेल था हट गया, जो मिलाप था टूट गया, जो माया जिसको हम कहते हैं माया भी नहीं रह गया। बाइबल बतलाती है वही यीशु, वही परमेश्वर जब आदम को ढूंढ रहा था अगले अध्याय में पढ़िएगा, तीसरा अध्याय 8वां पद। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उसको सुनाई दिया, और आदम जो परमेश्वर का हाथ का बना हुआ व्यक्ति उसके शब्द को सुनाने लगा। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। लिसन, अभी पहले आदम और हव्वा को एक वाटिका में परमेश्वर ने रखा। प्रतिदिन मुलाकात करने के लिए जब आता था आदम खुद दौड़ के परमेश्वर के पास जाता था, प्रभु अब आ गए, कितना खुशी लग रही है। लेकिन अभी जाके छिप गया। सर, द सिन सेपरेट्स यू फ्रॉम योर क्रिएटर। पाप जो है आपके सृष्टिकर्ता से, आपके सृजनहार से पहले अलग करने का ताकत रखता है। पाप के साथ हम खेलने के लिए सीखे हैं, पाप को साधारण समझने के लिए सीखे हैं, पाप को तो रहता है, सबके जीवन में रहता है। ये सिनेमा वालों ने हमारे गलत विचार को डाल दिया, सब कोई प्रेम करो फिर छोड़ दो, फिर दूसरे से शादी करो, फिर उसी को हत्या करो, ये सारी बातों का सिनेमा वाला ने डाल दिया। हम दुनिया की उस शिक्षा में आ गए हैं और हमको पाप हल्का स्निग्ध दिखाई पड़ती है। लिसन, पाप आपको आपके परमेश्वर से अलग करने का ताकत रखता है। आदम दौड़ के चले आ रहा था, प्रभु से मुलाकात करने के लिए दौड़ के चले आ रहा था, परंतु अभी उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, देखना नहीं चाहता है, पत्नी को लेके भाग रहा है, पत्नी को लेके ही भागा। लिखा है दोनों का हाथ पकड़ के गया, दोनों जाके वहां पेड़ों के पीछे छिप गए हैं। लेकिन वहां हाथ तो पकड़ा है, सुनिए,
हाथ तो पकड़ा है, परंतु उसका हालत क्या है? बढ़िएगा बढ़िएगा आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, सुनिए, आदम को ढूंढ के प्रभु आके पूछ रहा है, आदम आदम तुम मेरी बातों को माना नहीं इसलिए तुमको डर आ गया, मेरी बातों को उल्लंघन किया इसलिए मुझसे चिपने के लिए कोशिश किया। क्या मैंने कहा था उस वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया था, क्या उस फल को खाए हो? तुरंत हाथ पकड़ा है, अपनी प्यारी पत्नी का हाथ पकड़ा है, सुंदरी की हाथ पकड़ा है, पकड़ते कह रहा है, क्या कह रहा है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, यही भूत जिसको मेरे साथ रहने के लिए आपने बना के दिया, मुझ में से लेके दिया, यही भूत ने मुझे पक्का दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, आप ही की कहानी चल रही है। कल गलत कर बैठेंगे लेकिन दूसरे के ऊपर टोपेंगे, गलत कर बैठेंगे परंतु दूसरे के ऊपर, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। गलत तो किया है मानो, उसको कह सकता था, प्रभु जी मैं तेरी बातों का उल्लंघन किया, नहीं, परंतु ईश्वर को विरोध में कहता, तूने दिया, यू गेव दिस वुमन, इस भूत, ये भूत को हमारे साथ क्यों जोड़ा है? मैं तो ठीक था, शादी होने समय तक मैं तो ठीक था, ये आई मीठी मीठी बात कही, मोह में लाई और कहने लगी डार्लिंग, खींच के लेके गड्ढा में गिरा दी। डार्लिंग का हाथ पकड़ दे कह रहा है, तुरंत परमेश्वर ने हवा से पूछा, क्या कह रहा हवा? तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है? स्त्री ने, ऐ मैंने उसके साथ में रहने के लिए दिया, I made you as a helpmate, मैंने तुम्हें सहायक के रूप में साथ देने के लिए बनाया, क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। मैं थोड़ी नहीं किया, आपने जो नया सांप वही है, तब मैंने खाया। सांप को पूछने वाले थोड़ा कान खोल के सुन लो, मैं किसी से डरता नहीं, इस सांप ने मुझे बहका दिया, मुझे तुझसे दूर किया, मेरे आदमी से भी दूर किया। भाई दुनिया में आज क्यों फूट है, क्यों पति पत्नी में पटता नहीं है, सास ससुर में पड़ता नहीं है, सास और बहू में पड़ता नहीं है? पाप, पाप का मतलब घमंड, पाप का मतलब सेल्फिशनेस, स्वार्थ, अपने को तृप्त करना। अगर उस कहानी को पढ़िएगा, सांप ने तो अव्वा से कहा उसको खाइए ना, ये सुंदरी हवा जो है आदमी के लिए टहर भी नहीं सकती थी, खाने के बाद ये देख के खराब की है। एक ही बगीचा में थे, एक ही वाटिका में थे, वो आदमी शायद उधर उधर कहीं गया होगा, इधर सांप से बातचीत हो रही है और सांप कह रहा है इसको खाइए, परमेश्वर को मालूम नहीं है, परमेश्वर आपको गलत में डाल दिया करके, इसने हाथ बढ़ा के थोड़ी खाई, ये पूछी नहीं है आदमी से, पूछ के हम खाएंगे करके, अरे पूछो तो मत, कम से कम उससे सलाह तो लेते नहीं है, तुम तो मानती नहीं है आदमी को, तुम्हारी बात, औरत तो लोग कैसा बुलाती हैं अपने आदमी का, सुनिए ना, ए जी सुनिए,
मेरी सुनो, मैं तुम्हारे सुनने के लिए आई नहीं हूं। कई एक बहनों का सिर नीचे चला जा रहा है, मेरी कहानी क्यों ये बोल रहे हैं। लिसन, तहर भी नहीं आदमी के लिए इंतजार में नहीं, खाने के बाद उसको भी दी, मैं तो खा लिया तुम भी खा लो, खराब हो जा, मैं तो खराब होगी तुम भी खराब हो जा। When sin enters, जब पाप आता है परिवार में फूट लाता है, परमेश्वर से हमें अलग कर देता है, परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। भाई बहन उस हालत में किसी ने गाया, सबने गुण गारों को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुण गारों को नजरों में जब गिरा दिया, तूने मसीही में मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं, देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं, मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया, सबने गुनहगारों को नजरों में गिरा दिया। जब हम पाप पाप में पड़ते हैं, हमारा परिवार हमें देखने के लिए नहीं चाहता, हमारे पड़ोसी देखने के लिए नहीं चाहता, मेरी पत्नी मुझे देखने के लिए नहीं चाही, और हम अपने आप को परमेश्वर से भी दूर करते हैं। ये क्यों उपाय? इस पाप का दीवाल को तोड़ना है। मैं आगे आपको ले जाना जल्दी चाहता हूं, मैं तीनों दिन आपको एक में आने के लिए परमेश्वर के कितना बड़ा काम करना पड़ा, उस काम को यीशु मसीह का खून ने क्या किया करके मैं समझाने के लिए चाहूंगा। हर एक दिन ये 6 बजे सभा में इस बात को मैं आगे बढ़ाने के लिए चाहता हूं, लेकिन आपको थोड़ा दूर तक आज ले जा रहा हूं। उन दोनों को बचे हुए पढ़िएगा, 4 अध्याय पहला और दूसरा पद को पढ़िएगा। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है, मैंने यहोवा की सहायता से एक बेटा को पाया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। दिस इज योर गॉड सर, दिस इज योर गॉड। आदम और हव्वा ने परमेश्वर से दूर होके परमेश्वर के टहराए हुए बगीचा से बाहर निकाले गए हैं, और वो नंगे थे, उनका अपना उपाय से बनाया हुआ जो पत्ता से बनाया हुआ कपड़ा टहरा नहीं, परमेश्वर ने एक पशु को बलि करके उनको काल से उड़ा दिया, नंगा नहीं भेजा। God didn't send them naked, परमेश्वर जरूर उनको बाहर निकाला था, उसका कारण नालायक है, शायद मैं कल बताऊंगा। परमेश्वर ने उनको बगीचा से, सुखी भूमि से, असली जगह से, आशीष की जगह से हटाया, परंतु नंगा नहीं हटाया। भाई मेरे बनाए हुए हाथ के सृजना, उसको मैं प्यार करता हूं, अभी भी जरूर गिर गया तो भी मैं प्यार करता हूं करके उसको उड़ाया, उड़ा के ही बाहर भेजा। मैं जिस शहर से आता हूं
शहर में एक गली में हम लोग रहते थे, एक स्ट्रीट में रहते थे। हमारा मोहल्ला में एक परिवार, एक ही बेटा, लेकिन बेटा जो है बहुत दुष्ट लोगों के साथ घूमना फिरना, रात को 12 बजे 1 बजे घर लौटना, माँ बाप सोते नहीं थे, बेटा किस हालत में आएगा, किस प्रकार आएगा करके वे रोते रहते थे। 1 बजे 1:30 बजे आने से भी माँ कहती थी, बेटा मैं गरम गरम रोटी बना के दूं या डोसा बना के दूं, तुम भूखा नहीं सोना है। बेटा कहता था, तुम गा लिए ना, जाओ, मेरे लिए थोड़ी टगरी है। अरे रात को 1:30 बजे आया है, माँ पूछ रही है, बेटा मेरा उम्र हो गया, अब मुझे शुगर का कंप्लेंट भी हो गया, डॉक्टर ने कहा समय समय पर आपको खाना होगा, इसलिए मुझे 8 बजे भूख लगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए 10 बजे तक इंतजार किया। बेटा ठीक है, एक ही बेटा ना पैदा की है, ठहर नहीं सकती है। कितने बार मैंने अपने खानों से इस आवाज को सुना, कभी कभी पी के आता था, हमेशा नहीं, कभी कभी पी के आता था, कभी कभी सिनेमा में दूसरा शो दे के आता था, कभी कभी अपने दोस्तों से गप जप सब करके लाइव उठाता था 1:30 बजे 2 बजे, लेकिन माँ बाप सोते नहीं थे। उसका बाप वहां पर बैठ के सुबह आता था, कुछ बोलता नहीं था, वो तो बोला ना तो वो बोलता नहीं था, माँ ही बोलती थी, बेटा कम कम से कम माँ को जिंदा रखने के लिए थोड़ा जल्दी आना, ताकि मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए चाहती हूँ, थोड़ा ज्यादा आराम मिल जाएगा मुझे, 10 बजे तुम आके खा लेगा तो मैं कम से कम 6 घंटा या 8 घंटा सो सकती बेटा, मेहरबानी से जल्दी आना, मां जिंदा रहना कि नहीं। तुम तो जिंदा ही ना, तो जिंदा होने के चलते ना परेशान करती है। मां रोती थी, बेटा रुस्ता था। एक दिन उसका बाप 10 बजे इंतजार करने समय पुलिस इंस्पेक्टर आया, 3 सिपाहियों के साथ आया और कहने लगा, आपका बेटा आया कि नहीं। बाप कांपने लगे, क्या हो गया भैया, आपका बेटा ने किसी को चोरी लगा के यहां आ गया है, पकड़ने के लिए आए हैं। वो कब आएगा मालूम नहीं है साहब, मेरा बेटा तो ऐसा करता नहीं है, लेकिन शायद कर दिया होगा, लेकिन मेहरबानी से आप उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव कीजिए। पुलिस ने कहा, वो जवान बच गया है, चोरी तो लगाया लेकिन छाती पे नहीं लगा, हाथ में लगा, बच गया है, उसको हम लोग अस्पताल में भर्ती किए, परंतु आपका बेटा को हम लॉकअप में करेंगे, आपको पहले मैं बतलाने के लिए आया हूं, सुनने हमें आया, आप यहाँ टीचर है, कई लोगों को अच्छा शिक्षा दी है, कई लोगों को अच्छा पढ़ाई दी है, आपका यहाँ सुनाम है इस मोहल्ला में, इसलिए मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए आया। बेटा होता मैं ले जाता, लेकिन बेटा नहीं है, लेकिन आप बहुत ईमानदार आदमी है, कल सवेरे आएंगे, बेटा का हमारे हाथ में दे देना। इतने साल के बाद बाप को अभी गुस्सा आ रहा, अपना पत्नी से कह रहा है, कैसा बेटा हमारा, मेरा इज्जत को तो डुबा दिया, मुझे पुलिस आके डांट के जा रहा, मेरे इज्जत का क्या सवाल है, घर में घुसेगा नहीं, घर में घुसेगा नहीं। टीचर था, हेडमास्टर था, जाके लेट गया अपना खटिया पर, चादर को उड़ के मुंह देखा, दिखाई नहीं पड़ा, लेट गया, जैसा है वैसे ही 1 बजे बेटा चले आया। मां बोल रही है दरवाजा में जाके, बेटा पापा इतना दिन तक गुस्सा किए नहीं है कभी, लेकिन अभी पहले बार गुस्सा किए हैं, आज पर एक काम करो, मैं एक चटाई दे देता हूं, बाहर का वरांडा में सो जाना, ठंडा लगेगा बाबा, मैं एक कंबल को लाके रखी हूं, वही सो जाना, पापा का क्रोध ज्यादा समय रहता नहीं है, वो उठेंगे ना सवेरे, मैं उसको समझाते हुए उसको घर में ले लेंगी, पुलिस आने समय तुम बाहर भागना नहीं, बाहर भागेगा पुलिस मारेगी हम लोगों से, बर्दाश्त नहीं होगा, मेहरबानी से बेटा। बेटा द्वार पर खड़ा है, बाप तो चादर
से अपने मुंह को बंद करके सुन रहा है। मां का ममता की बातें उस बेटा को थोड़ा सा हिलाया। मैं किसी को खून करने के लिए चाहा, बच गया। पुलिस मेरे घर में पगले बार आई है और मेरी मां मुझे कह रही है, बेटा तुमको डंडा नहीं लगना है, भागना नहीं, डंडा भी पड़ेगा। डंडा भी नहीं लगना है, डंडा भी नहीं पड़ना बेटा, बैर जाने से कम बढ़ेगी। जब मैंने अपने परिवार के साथ इस आवाज को सुना था, मैंने अपनी माँ जो टीचर थी उसको उठाया, मम्मी थोड़ा उठ के उनको समझा दीजिए, उस लड़के को जाके समझाइए, इस प्यार को वो टुकड़ा के न जाने पाए, अगर सवेरे पुलिस आने के पहले ये भाग जाएगा, पुलिस तो और इसको बहुत सख्त कदम के साथ इसके साथ बर्ताव करेगी। मेरी माँ रो 2 बजे उठ के, हमारे घर से थोड़ा 4 घर हैं, वहां जाके उसको कह के, बेटा बेटा थोड़ा सा माँ बाप का प्यार को तुम महसूस करो, तुम्हारी जिंदगी के लिए अपने जान को देने वाला माँ बाप को तोड़ो, थोड़ा सा तो इज्जत दो। मेरी माँ बैठ के उसके साथ प्रार्थना करने समय वह लड़का रोया था, फूट फूट के रोया था, कहने लगा, टीचर टीचर मैंने प्यार को छोड़ के भाग गया था, लेकिन मेरा माँ मेरी माँ बाप का प्यार मुझे पीछे खींच रहा है, मैं आगे अपनी जिंदगी सही रखूंगा। आज एक बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है, वो प्यार को टुकरा के कोई जा नहीं सकता। आपसे प्यार करने के चलते मेरा ये इसी संसार में आपके खोज में आया, जैसा मैंने गाया था, देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं, देखा गया ना आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं, मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। अभी उनके विवाह के जीवन के बच्चों को भी दे रहा, कपड़ा पहनाया यीशु परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पागर करने के बाद भी कपड़ा पहना के ही बाहर विदा किया, लेकिन अभी उनके विवाह के जीवन को आशीष भी दी है। खुद हमकार ये परमेश्वर ने मेरी विनती को सुन के मेरे अवलाद को दिया। दूसरा पद को भी पढ़िएगा, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल को भी जन्म दिया, दो जन। लेकिन अगर आप उस अध्याय को पढ़िएगा, दोनों परमेश्वर से भेंट करने के लिए चाहे थे। अभी इस महीना में, अगले महीना में कई जगह में पूजा पंडल लगेगा, पूजा करने वाला कान खोल के सुन ले। कई प्रकार की पूजा अभी बारिश में ही हुआ था आपके देवघर में, फिर लगातार बारिश ये बर्फ को तो मनाएंगे, लेकिन मरब मनाने वाले सुनिए, कान खोल के सुनिए। पहला मनुष्य का दोनों बच्चों को पूजा करने का मन किया, परमेश्वर से भेंट करने के लिए मन किया, लेकिन पहला लड़का का हालत देखिएगा, 4th पद। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। नो!
दोनों जन पूजा करने के लिए आए, दोनों जन परमेश्वर से भेंट करने के लिए आए, परमेश्वर से फिर मेल मिलाप के लिए आए। कान खोल के सुनिएगा, पहला लड़का का नाम कैन, वो भी भेंट लाया, दूसरा अबील, अबील भी भेंट लाया, लेकिन परमेश्वर ने एक का भेंट जो पहले लाया था उसका ग्रहण नहीं किया। क्यों क्यों क्यों? अबील जो बाद में अपना भाई को देखा देखी में उसने वेदी बनाया उसको ग्रहण किया, क्यों? पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। सुनिए, अपने पे, अपने पूजा, अपनी उपासना, अपनी आराधना जब ग्रहण नहीं किया गया, कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, भाई मेरा बाइबल में प्यार परी परमेश्वर को देखिए, कैन उदासी से भर गया, परमेश्वर खुद चले आया। कैन, व्हाई डू यू सो सैड? क्यों उदास में हो? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप उदासी में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ना खुश रहे, परमेश्वर नहीं चाहता आप गम में जीवन बिताएं। मेरा परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, जिसकी प्रचार मैं करता हूं, वो नहीं चाहता है कि आप उदासी चेहरा को लेके संसार में रहें। नहीं, दिस इज माय गॉड, आई एम प्रीचिंग अ गॉड हु नेवर वांट्स यू टू बी सैड। तुरंत आता है पूजा करने के बाद उदासी, परमेश्वर के निकट खोजने के बाद उदासी। क्यों? पढ़िएगा आगे, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? ए कैन, ए मेरे बेटा, मैंने तुम्हारे माँ से प्यार करके तुमको दिया था। आई लव्ड योर पेरेंट्स, दैट इज व्हाई आई गेव यू, बट नाउ यू आर सो सैड, व्हाई, व्हाट हैपेंड? यदि तू भला करे, सुनिएगा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप, पाप द्वार पर छिपा रहता है, द्वार पर छिपा रहता। बस अगेन, व्हाई यू आर सैड? इट इज बिकॉज ऑफ योर सिन, तुम्हारे पाप के चलते। कैन, मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सका, तुमने भेंट लाया जरूर, पहलौठा का फल लाया जरूर, जरूर वेदी बनाया, जरूर पंडल बनाया, लाखों रुपया खर्चा करके किया, परंतु तुम्हारा दिल को मैं देखता हूं, तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, तुम्हारा दिल में बुराई है, तुम इतना खर्चा करके कोई फायदा नहीं, लाखों रुपया खर्चा करके कोई फायदा नहीं। I see your heart. भलाई करता नहीं है, पूजा करता तुम। Again, I want to tell you. कई लुटेरे लोगों का पैसा पूजा पंडाल में लगता होगा, कई लोगों का मर्डर किए हुए लोग खून को छिपाने के लिए पूजा पंडाल में पैसा खर्चा करते होंगे, लेकिन मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, My God, मेरा परमेश्वर तुम्हारे हाथ की क्रिया से नहीं, तुम्हारे दिल की भावना से, दिल की बातों से वो अवगत होके आशीष देने के लिए चाहता है। वो कहता है, कैन, कैन, तुम अगर भलाई करता, फिर से पढ़िएगा उस वचन को, यदि तू भला करे, तो यदि भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? भेंट के ग्रहण नहीं की जाएगी। और यदि तू भला ना करे, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, तुम्हारा पाप जो है तुम्हारा द्वार पर छिपा। कई मसीह लोग भी आराधना करने के लिए जाते होंगे, हल्लेलुया कहते होंगे, पेंटिकॉस्टल स्पिरिट से रहते होंगे, लेकिन तुम्हारा दिल अगर सही नहीं है, तुम्हारा संगति सही नहीं है, तुम्हारा प्रेम में दब्बा है,
अगर तुम्हारे जीवन में दाग है, समझ लो तुम्हारे द्वार पर पाप सो रहा है। कई लोग सोचेंगे ये तो हिंदू लोगों के लिए बोल रहे हैं, मुसलमान लोगों के लिए नहीं, नहीं नहीं नहीं, मसीह लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। आप कोई भी क्यों हो, कोई भी धर्म मानने वाला क्यों हो, प्रभु आपसे बातचीत करता है। अब तालियां बजा के गाते होंगे और वीणा बना के गाते होंगे, म्यूजिक बाजा रख के गाते होंगे, नाचते गाते होंगे, हाथों को उठा के गाते होंगे। प्रभु कहता है तुम्हारे द्वार पर पाप छिपा रहेगा। आगे ही देखिएगा, पढ़िएगा, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, पाप का लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुम्हें उसके ऊपर प्रभुता करनी है तब जी पाओगे, लेकिन तुम्हारे पास तो ताकत है ही नहीं। आगे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से, सुनिए परमेश्वर की आवाज आ रही है, धीमी एक धीमी आवाज आ रही है, सूली से गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है, सूली से परमेश्वर ने बातचीत किया, बेटा पाप को हटा दो, पाप के ऊपर प्रभुता डालो। लेकिन अगले वचन में लिखा कैन, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, खत्म कर डाला। कई मसीह लोग चर्च में वचन सुनते होंगे, वचन सुनने के बावजूद भी तू अपना भाई से बैर रखते हो। मेरा बाइबल बतलाती है जो अपने भाई से बैर रखता है वो खून है, मर्डर। परमेश्वर की बात को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, दिल में मोहब्बत के लिए जगह नहीं, पाप के ऊपर विजय नहीं, लेकिन विश्वासी कहेंगे, चाहे सेवक क्यों न हो, विश्वासी क्यों न हो, मैं थोड़ा परमेश्वर के प्यार को फिर समझाने के लिए चाहता हूं। गात किया, लेकिन क्या हो रहा है देखिएगा आगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा, सुनिए यहोवा जानता सब कुछ, जानता उसकी गात की हुई बातों को भी जानता। तब भी यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? सुनिए टारी, द लॉर्ड केम डाउन, कहां भाई तुम्हारा भाई कहां है? तुरंत कैन कहता, मैं थोड़ी उसका रक्षक हूं, अंग रक्षक हूं, क्या मैं बॉडीगार्ड हूं? भाई इस संध्या के समय उस कायन को भी परमेश्वर ने बचाने के लिए कितना प्यार दिखा रहा। कायन ने पाप किया, भाई को घात किया, प्रभु कहता है उसका खून मुझे पुकार के पूछ रहा, तुम मेरे सम्मुख से हट जाओगे। बाइबल बतलाती है कायन पूछ रहा, कहां जाएंगे प्रभु, कहां जाएंगे, मैं कहां जाऊंगा, मुझे देखने वाला भी मार देगा,
मेरा बाइबल बदलाती है, मैं तुम्हारे लिए एक चिन्ह देता हूं, तुम्हें सुरक्षा देता हूं। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद कर रहे हैं। अगर आप बहुत बड़ा गड्ढा में गिर गए भी होंगे, बहुत बड़ा भयानक पाप में भी गिरे होंगे, मेरे प्रभु के पास दया है, क्योंकि वो चाहता है आपको किसी न किसी रीति से पाप से उबारे और पाप के ऊपर विजय दें। कई विश्वासी लोग भी बैठे हैं, कई लोग जरूर ये जानते हैं यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है, परंतु ये नहीं जानते पाप के ऊपर विजय का जीवन है नहीं। मैं पहले प्रेम जहां नहीं था वहां दोनों के बीच में बटोरा हो गया, अभी आराधना के तरीका से दोनों अलग हो रहे हैं। काइन परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं उपासना किया, हाबिल परमेश्वर के ग्रहण योग्य उपासना किया, हाबिल ग्रहण किया गया, काइन अलग हो गए। द वर्शिप डिवाइड्स पीपल, आराधना लोगों को बटोरा करते हैं, इसलिए हम आराधना करने के लिए इस मैदान में आपको बुलाए, कारण सही ढंग से आराधना करें। आराधना में अनेक लोग बहुत बड़ा बड़ा दीवाल को बना के, ये मेरे तरीका, ये मेरे तरीका, ये मेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया करके दीवाल खड़ा करने वाले संस्थाएं हैं, डिनोमिनेशन है। लेकिन मैं आज कहने के लिए चाहता हूं, अगर हम जुटना है, संसार में शांति मेल अगर होना है, एक ही उपाय है, पाप को हटाना पड़ेगा। न केवल पाप को हटाना पड़ेगा, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए एक उपाय को परमेश्वर कूद करना है, उस बात को यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। मैं एक वचन को कह के मैं आज अंत करने के लिए चाहता हूं, लेकिन कल मैं ले जाऊंगा। उपासना लोगों को अलग कर दिया है, और साथ ही साथ कल मैं उन बातों में से आगे ले जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक काम, एक वचन को पढ़ने के लिए चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, वहां पर एक बहुत जबरदस्त बात को प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, उसको यीशु का वचन में पढ़िएगा। 29वां पद, 10:29, हिब्रूस 10:29। तो सोच लो, सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। हमारे रामगढ़ के इलाका के भाई बहन, माता बहने, भाई सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, जिसने परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को अपने पांव से रौंदा, और वाचा के लहू को, वाचा उसके साथ मेल मिलाप करने के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हमारा इस सभा का एक ही कारण है, यहां कोई भी दंड के योग्य ना हो, परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव तले रौंदने के द्वारा, वाचा की हुई बात उस लहू को तुच्छ जानने के द्वारा, उस अनुग्रह जिसके लिए आप और हम योग्य नहीं है उसको तुच्छ समझने के द्वारा हम दंड के योग्य, भारी दंड के योग्य है। इस मीटिंग का एक ही विचार है, आप छोटे बड़े उस भारी दंड से बचना है। कल मैं इसको आगे ले जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं पूछने के लिए चाहता हूं, भाई अब विश्वासी हो सकते हैं, बहन अब किसी और परिवार के हो सकती है, और धर्म मानने वाली क्यों ना हो, आज मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, ताकि आप पाप से छुटकारा पाएं, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करें,
और आने वाले दंड से बच निकलें। सब कोई आंखों को बंद करें मेहरबानी से। मैं 2 मिनट में इस मीटिंग को अंत करने जा रहा हूं। सब कोई आंखों को बंद करें, कोई भी इधर उधर नहीं देखे। अगर आप कहेंगे भैया हम लोगों को मालूम हो गया हमारा परिवार क्यों परेशान है, मियां बीबी के अंदर हमेशा झगड़ा लड़ाई, भाई भाई के बीच में हमेशा मतभेद, हमारा समाज में भी हुई, मेरे घर में शांति नहीं, मेरे व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं, मैं परेशान रह रही हूं। मुझे आज मालूम हो गया न केवल पाप को हटाना परंतु पाप के ऊपर विजय पाने के जीवन देने के लिए यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसे मैंने कहा साबुन फैक्ट्री में काम करने से आप साफ नहीं होंगे, साबुन को अपनाना। आप शायद मलसी मंडली में काम करने वाला भी क्यों ना हो, साबुन फैक्ट्री में काम करने से आप साफ नहीं है। जब तक व्यक्तिगत रूप में उसको लगाइएगा तब ये साफ होंगे। भाई सही, यीशु मसीह का खून आपको पुकार रहा है। मैंने एक गीत को लिखा था, जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, मैं जाना नहीं प्रभु तेरी इच्छा को जाना नहीं और तेरी मनसा को भी समझा नहीं, लेकिन आज से मैं तेरे मर्जी के लिए सौंपता हूं करके खाने वाले। जब सबकी आंखें बंद है अपने दाहिना हाथ को उठा के दिखाई, मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। मैं समझ गया भैया मुझे पाप के विरोध में संघर्ष करने में बनता नहीं है, मेरा जीवन डगमगा रहा, अब दूर में कड़े क्यों ना हो, अब कोई भी धर्म मानने वाले क्यों ना हो, यीशु आपको बुला रहा। मैं उस गीत को पद गाने के समय आपको चेहरा देख के मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं, आपके परिवार की शांति के लिए, आपके जीवन की डगमगाने की जीवन से आपको हटाने के लिए मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। जब मैं इसको गाऊंगा जितने लोग हाथ उठाए या जितने लोग मन रखे हैं सामने आए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा। जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे, जितने लोग हाथ उठाए मेहरबानी से उठ के सामने आ जाए। नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया, तेरी हो। अबदी मोहब्बत से प्रेम किया, अपना अपना खून देकर, अबदी मोहब्बत से प्रेम किया, अपना अपना खून देकर, दाम मिटाकर पाकिया अपने लिए, दाम मिटाकर दोष टाकर पाकिया अपने लिए, आराधना आराधना।
हालेलुया आराधना तेरी हो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो रहा हूं। अपने आंखों को बंद करके आप जब खड़े हैं मेरी बातों को थोड़ा सुनिएगा। यहां दो जन हैं जिसके चेहरा को मैं देख रहा हूं। बारंबार तुम्हारे दिल में ये बात चली जाती है आत्महत्या क्यों हर लू, क्यों आत्महत्या ना करूं, मेरे जीवन से मैं उब गई हूं, परेशान, मेरी बातों को समझने वाला नहीं है। तुम बारंबार इस बात को अपने दिल में खड़ती है बहन, प्रभु तुम्हारे दहने पास और कड़ा हो के तुम्हारा हाथ धर रहा। डरो मत, मैं जीवन को पार करने की ताकत रखता हूं। यहां एक जवान कड़ा है, रात में मैं परेशान हूं, रात में ही मैं परेशान हूं। जवान, तुम यीशु के पास बारंबार चले आता लेकिन तुमसे होता नहीं है, टगरता नहीं है। तुम चिखा राधा ला बसंतूरी ला गदना मशंतना परमेश्वर का आत्मा यहां मंडला रहा है। हालेलुया। एक जन है, मैं कुछ भी करता हूं, मैं नुकसान ही नुकसान, मेरा जीवन नुकसान, परिवार में भी शांति नहीं, बाहर काम में भी कुछ नहीं। प्रभु तुम्हारे हाथ करते कहता है, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए चले आया हूँ, तुम्हारे आंसुओं को पोंछने के लिए चले आया हूँ, तुम्हारे हाथ धर के तुमसे प्यार करते हुए तुम्हारे जीवन में उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरा परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मंडला रहा है। कई लोगों की चेहरा की द्वारा उनके भीतर ये बातों को मुझे दिखाता प्रभु। मैं सबकी बातों को यहां कुलम कुलम मैदान में कह के मैं आपको अपमानित करने के लिए नहीं चाहता हूं, यहां आपके ऊपर हाथ रखे मैं आपको अपमानित करने के लिए चाहता हूं, लेकिन प्रभु आपको छू रहा है। आइए हम उस आराधना के समय में दोनों हाथों को उठा के हिला के कहेंगे, जो परमेश्वर तुम्हारा चेहरा की उदासी से परेशान होकर उत्तर आके पूछता है, क्यों तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या तुम्हारा बीमारी को नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हारी उदासी के साथ तुम्हारा दर्द को भी जानता है। वो परमेश्वर उतर आया है इस मैदान में, फुटबॉल मैदान में उतर आया है, तुम्हें छू रहा, हड्डियों में हड्डी हड्डी को छू रहा है, नस नस को छू रहा है, इसलिए चंगाई भी साथे साथ है, तुम्हारा शारीरिक चंगाई भी साथे साथ है। यहां एक मां चिल्ला रही है, मेरे बच्चों को बचाइए, मेरे जिंदगी तो खत्म हो गया लेकिन मेरे बच्चों को बचाइए। प्रभु तुम्हारे बच्चे के साथ बर्ताव कर रहा है, तुम्हारे बच्चे के साथ बर्ताव कर रहा है, तुम्हारे बच्चे के साथ बर्ताव कर रहा है। मान लो यीशु तुम्हारे पास खड़ा है, यीशु की ताकत आपको छू रहा है, यीशु की ताकत आपको छू रहा है, यीशु की सामर्थ आपको इस वक्त में छू रही है, उसकी शक्ति आपको मिल रहा है। सारी दुष्टात्मा की क्रिया जागते रहे, इनके परिवारों में से छापते रहे, इनके शरीर में से छापते रहे, पाप से छुटकारा फाके यीशु के दिए हुए जीवन से वे आनंदित होने के लिए इनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे हाथ इनके साथ होने पाए प्रभु, लगातार बर्ताव कर इस शहर के अंदर, यीशु मसीह के मेरे नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर, आमीन।